सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाने वाली भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन के निर्माण पर 50,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इस रेल लाइन के लिए निर्माण के लिए भारत सरकार के रक्षा वित्त एवं रेल मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। ये जानकारी मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी में दी। रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि इस रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2020 तक ये प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि चाइना ने लेह तक अपनी रेल सेवाएं पहुंचा दी हैं, लेकिन हम इसमें अभी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य को जल्द पूरा करने की दिशा में भारत सरकार प्रयासरत है। भानुपल्ली बिलासपुर कुल्लू मनाली लेह जिसका नाम मीडिया ने तो चाइना दे रखा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा इस पर खर्च आएगा, उसके लिए पैसा सबकी तो रखा है और वो काम आगे बढ़ा है। और दूसरा पठानकोट मंडी जिसका सर्वे का काम चला है और मुझे विश्वास है कि ये काम आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से लेह जो ट्रेन पहुंचनी है, आज हमारा रक्षा मंत्रालय, आज रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इस महत्वपूर्ण रेल लाइन को पूरा करने के लिए हर तरह का सहयोग करने के लिए तत्पर है। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में सही ढंग से सिरे नहीं चढ़ाया, लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है तो केंद्र की सभी योजनाओं को रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जल्द खोलने की दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर ने इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने की हामी भर दी है और उपरांत इसके इस पर विधानसभा में एक्ट बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 25 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। मंडी के बल्लभ महाविद्यालय को ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा कि पहला काम हो तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और पहला शिलान्यास, पहला शुभारंभ कोई हो तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी से, शिक्षा क्षेत्र से ये नई यूनिवर्सिटी मंडी में खुले और 6 जिलों को आने वाले दिनों में 6 के 6 जिलों को यहां से सुविधा मिलेगी, उनको शिमला जाना नहीं पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण योजना जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करें। मुझे ये विश्वास है कि ये जो कैबिनेट की बैठक होगी पहली या दूसरी, उसमें इसको एक्ट बनाने का जो एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसके तुरंत बाद भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी का काम शुरू। रामस्वरूप शर्मा ने मंडी संसदीय क्षेत्र की 17 में से 13 सीटों पर कमल खिलने के लिए सभी मतदाताओं का आभार भी जताया। साथ ही उन्होंने अपने घर में भाजपा को मिली हार पर चिंता भी जताई। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के कई दिग्गजों की हार हुई है और उसमें से एक सीट जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की भी है। उन्होंने कहा कि यहां की हार को लेकर संगठन समीक्षा कर रहा है। देखिए, पहले तो बात है कि मंडी जिला कांग्रेस मुक्त हुआ है, 10 की 10 सीटों में कांग्रेस पार्टी हारी है। दूसरा, मंडी पार्लियामेंट में 17 में से 13 सीटों का आना, जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मिला, कार्यक्रमों को मिला। बहुत से ऐसे कारण हैं, कई स्थानों पर जो बड़े रुतबे वाले नेता थे वो चुनाव में उन्हें दिक्कतें आई हैं। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र भी उनमें से एक है, हमारे बड़े प्रमुख नेता इन चुनावों में हारे, तो कुछ कमियां संगठन की भी रही होगी, कुछ जिस कारण ये हार का मुंह देखना पड़ा उसको सुधारेंगे।